चलेंगे जो आपको बताएंगे कि इन्होंने कौन सा स्टॉक चुना और उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। सुमित बताइए सेल में क्या ले। पहले तो एनएससी 500 की लिस्ट देख रहा था, उसमें करीब 100 ऐसे स्टॉक हैं जिन पे 40% से ज्यादा डिस्काउंट है अभी भी। 40% से 40% अच्छे स्टॉक्स, अच्छे को आप काट देंगे तो 50 तो है ही, उसमें से भी तो जो अच्छे हैं जिनमें आप इतना की बात तो वही है ना, डिस्काउंट तो बढ़ते रहे स्टॉक्स। ऊपर की तरफ सूची में जाएंगे, सबसे पहला नाम तो यस बैंक है, ऑब्वियसली बात है, सबसे लंबा डिस्काउंट वही लेके बैठा है। फिर आते हैं पीएसयू बैंक्स, इंडियन ओवरसीज, केनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, सब में डिस्काउंट। धीरे धीरे पीएसयू में आती है वो सूची, लेकिन आप उसको और कट शॉर्ट करते जाएंगे तो ऐसी कई कंपनीज हैं जहां पर अच्छा डिस्काउंट है अभी भी हायर लेवल से। मिसाल के तौर पर आप हैवी वेट्स में आ जाए तो एचयूएल जैसी कंपनी में भी हायर लेवल से अच्छी करेक्शन आ चुकी है, अभी भी इतना भागा नहीं वो शेयर। खैर, मैंने जो कंपनी उठाई है वो आशीष की थीम से कुछ हद तक कोरिलेटेड है। मैंने स्पाइसजेट को चुना है, स्पाइसजेट में भी वो अनलॉक का एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और दूसरा इसको चुनने की वजह भी है कि रिसेंटली काफी ज्यादा ब्रोकर्स बुलिश हुए स्टॉक को लेकर। एक बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल, बीओबी कैपिटल की रिपोर्ट जिन्होंने 100 से ऊपर के टारगेट दिए हैं, एक एचएसबीसी की रिसेंटली रिपोर्ट आई थी जिन्होंने 80 रुपए के टारगेट दिए और 28 से बढ़ा के सीधे 80 रुपए के टारगेट दिए हैं। दो तीन वजह है। पहला तो 13% का मार्केट शेयर इंटैक्ट है इनका, पिछले 4-1 साल के आंकड़े मैंने देखे हैं जो मार्केट शेयर के, उसमें इसी क्वार्टर में मोर और लेस इसी मार्केट शेयर को होल्ड करते हैं, 13-13.5% इसी रेंज में इनका मार्केट शेयर घूम रहा है। दूसरा, ये कंपनी दूसरी सबसे बड़ी एविएशन की कंपनी है, पहली इंडिगो है, तो ऑब्वियसली बात है, नहीं और भी है नीरज जी। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। सबसे ज्यादा चलने वाला स्टॉक तो जेट एयरवेज है। किसके व्यूअर देखे नीरज जी? नहीं, सबसे ज्यादा चलने वाला एविएशन में स्टॉक तो जेट एयरवेज है। खैर, लेकिन 150 चल चुका, 100% चल चुका, वर्ल्ड का उतना चलने वाला शेयर हो गया वो। खैर, एनीवेज, तो स्पाइस एट दूसरी सबसे बड़ी एविएशन कंपनी मार्केट शेयर के लिहाज से, और तीसरी चौथी बंद होने की कगार पे खड़ी है। तो अगर ऐसा होता है तो वो मार्केट शेयर भी इन्हीं में जुड़ जाना जाके। इसके अलावा एक कल बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि इंडिगो को लेकर ब्रोकर से मान रहे हैं कि उनका मार्केट शेयर पीक हो चुका है, तो वो 60 से नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है सेकंड कोई बेनिफिशियरी मिलेगा, फर्स्ट जरा सा भी नीचे आएगा तो सेकंड ही फर्स्ट बनेगा, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो दूसरा, लॉजिस्टिक में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिसमें इंडिगो अभी तक दूर दूर तक नहीं खड़ा है, तो वो इस कंपनी को शायद एज देगा गोइंग फॉरवर्ड। और पीएलएफ के जो आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पर है कि जैसे जैसे सिचुएशन रिवाइव हुई है, उस रिवाइवल में बाकी एयरलाइन से कंपैरिजन में इनका रिवाइवल थोड़ा ज्यादा तेज होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये टियर 2 टियर 3 मार्केट्स को होल्ड करते हैं तो वहां पर अच्छे मार्जिन इनके पास है जो बाकी प्रोमिनेंट रूट्स के अंदर प्लेयर्स नहीं है, तो उस जगह से इनको एक अच्छा जा रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड 80 रुपए ब्रोकर्स के टारगेट नियर टर्म में, 110 का दूसरा टारगेट, बाकी बड़े ब्रोकर्स का आ रहा है तो आप हिसाब से देख सकते हैं। तो मौका यहाँ पर भीड़ भरपूर है, बस उड़ान भरने को तैयार है, भर चुका है, स्लोली रनवे पर आ गया है, कभी भी टेक ऑफ होने वाला। चलिए, तो ये देखिए स्पाइस जेट।